यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तीसरा दिन सुबह 10 बजे वापस से मैं आपके साथ हूं। एंड फ्रेंड्स, हमने दो दिन पहले डिसाइड किया था कि हम इस 21 दिनों को बेस्ट यूज करेंगे एंड इन दैट जर्नी एंड अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ डूइंग अ बिट फॉर एन हैबिट। आई एम अगेन बैक विथ यू। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के दोनों दिन की एक्टिविटीज का ऑसम रिस्पॉन्स आया एंड दैट इज अ मोटिवेशन क्यों मैं तीसरे दिन वापस से आपके सामने खड़ा हूं विद सम न्यू हैबिट फॉर्मेशन आइडिया। फ्रेंड्स, वापस से मैं याद दिलवा देता हूं, आज का वीडियो भी एडिशनल वीडियो, यानी दो प्रकार के वीडियो आएंगे 21 दिन में, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरा एडिशनल। कंस्ट्रक्टिव यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जैसे फर्स्ट देखा था, आज का वीडियो एडिशनल है यानी वो अनइंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, पर वो फर्स्ट डे को ही क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे फर्स्ट डे हमारे कुछ टाइम क्वाड्रेंट्स थे, पार्ट थे, जैसे स्लीपिंग टाइम, रेस्ट टाइम, मी टाइम जिसमें कल का वीडियो था, और एक था वी टाइम, सोशलाइजेशन टाइम, उसके ऊपर फ्रेंड्स आज का वीडियो बना रहेगा। फ्रेंड्स, डे वन के स्केड्यूलिंग के ऊपर मैं आज भी कहता हूं बहुत ध्यान देना फ्रेंड्स, ये 21 दिनों में अगर आप डे वन पे फोकस कर पाए आप मुझे याद रखोगे। जितनी बार आप सक्सेसफुल बनोगे और लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे तब आप दिल से मुझे याद करोगे कि सर ने यह स्केड्यूलिंग करना सिखाया था जिसके कारण मैं ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी पा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एंड में मैं आपको एक यूनिक एक्टिविटी बताऊंगा जिसके कारण लोग मुझे कहते हैं कि यार तू इतना बिजी होने के बावजूद भी कभी किसी की बर्थडे नहीं भूलता, कभी किसी को विश करने के बारे में नहीं भूलता, कभी तू बॉम्बे आता है अहमदाबाद से तो तू हमें एक SMS तो छोड़ता ही है, कैसे ये सब पॉसिबल होता है। तो मैं आपके साथ एक यूनिक आइडिया शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो बने रहिए एंड तक, राइट, जो आप भी आपके डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगेन आई वेलकम यू बैक टू दिस इनिशिएटिव। इस वीडियो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हर रोज एक वीडियो के अंदर 15-20 मिनट बातचीत करते हैं जिसमें एक हैबिट फॉर्मेशन आइडिया होता है, एक पॉजिटिव थॉट शेयरिंग होता है एंड एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस से हम हमारे वीडियो का अंत करते हैं। सो फ्रेंड्स, एंड तक बने रहिए एंड लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन फॉर टुडेज टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वी टाइम। अब अक्सर आपने मी टाइम के बारे में सोचा होगा, प्रोफेशनल टाइम के बारे में सोचा होगा, पर एक वी टाइम भी फ्रेंड्स होता है। फ्रेंड्स, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें पता ना हो तो जानते हुए या कई बार अनजाने में हम सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चलो सोसाइटी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो मुझे उतना कोई दुख नहीं है, पर कई बार आप आपके फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, कई बार आपके वाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजों के कारण बहुत सारी दिक्कत होती है। और उस चीज, उस स्ट्रेस, उस ट्रोमा, उस गलत चीज से आप ना गुजरो, इसलिए आपके लिए आज का वीडियो है। फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे मनोमन, अभी मुझे बता नहीं पा रहे होंगे बिकॉज हम लाइव नहीं है, कि सर क्या आप वी टाइम की बात करते हो, हमारे पास तो समय नहीं होता। तो उन सब के लिए अब तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर आपके पास समय ना हो तो डे वन का स्केड्यूलिंग आप कर नहीं रहे, उसे फॉलो नहीं कर रहे। एंड फ्रेंड्स, एक मिनट में याद दिलवा दूं, टुडे इज डे 3, राइट। सो आज आपको बैठ के आगे के 3 दिन या 2 दिन आपने जो फॉलो किया उसमें कहां दिक्कतें आ रही थी, अगर आपको कोई टाइम स्केड्यूल चेंज करना हो तो करने का समय आज है, राइट। और आपको कोई भी दिक्कत है या कुछ भी आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे, या फिर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, सब कुछ आपको एंड में मिल जाएगा, जिससे मी एंड माई टीम विल हेल्प यू टू सॉल्व एंड टू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिफिकल्टी। सो फ्रेंड्स, क्यों वी टाइम बहुत जरूरी होता है, तो कुछ लोग के पास समय नहीं होता लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, तो बाद में क्या होता है, दे आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। कई बार आप सोशली एक्सेप्टेबल ना हो तो उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, पर उसका लॉस आपकी फैमिली को बेयर करना पड़ता है। यू मेनी टाइम्स फील लोनली, आपको लाइफ स्ट्रेस्ड लगती है, और इसका जाने अनजाने में असर सीधा प्रोफेशनल लाइफ पे आता है। सो ये सारी चीजों से दूर रहना चाहो और आप एक सही वी टाइम स्पेंड करते हो दिन का, मैं तो कहता हूं 10 मिनट तो 10 या 15 मिनट तो 15 मिनट आप स्पेंड करते हो तो ये बिकम सोशली एक्सेप्टेबल, आपकी पर्सनल लाइफ हेल्दी होती है, आप सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हो और आप एक अच्छी फैमिली लाइफ जीते हो। एंड अल्टीमेटली फ्रेंड्स, प्रोफेशनल लाइफ आप कितनी भी अच्छी जियो, उससे जो आउटकम आता है उससे आप क्या करना चाहते हो, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी एंजॉय करना चाहते हो, तो ये सब तभी मुमकिन है जब आप एक अच्छा वी टाइम, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम आप स्पेंड कर पाओ। अब फ्रेंड्स, आज हम जो भी वी टाइम एक्टिविटीज, जैसे कल मैंने आपके साथ मी टाइम आइडिया शेयर किए थे, वैसे मैं आज आपके साथ वी टाइम आइडिया शेयर करूंगा, तो वो 4 कैटेगरीज में ब्रोकन हो गए। एक फैमिली के साथ का, फैमिली यानी यहां आपका क्लोज फैमिली आता है, आपके बीवी, बच्चे,
पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, राइट, दूसरा आपके फ्रेंड्स, तीसरा आपके रिलेटिव्स यानी बाकी सारे लोग, और चौथे आपके जो प्रोफेशनल कलीग्स होते हैं, आपके जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ का वी टाइम। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम आइडियाज के बारे में बातचीत शुरू करें, तो मैंने कुछ मी टाइम, वी टाइम आइडियाज फैमिली के साथ जो आप कर सकते हो वो है प्रेयर, यानी कि आप डिसाइड करो कि आप हर रोज, जब अलग से टाइम स्पेंड ना कर पाओ, तो आप हर रोज जब खाने बैठते हो, तो आप सब लोग साथ में 2 मिनट या 1 मिनट की, आधे मिनट की आप प्रेयर करते हो। फ्रेंड्स उससे जो कलेक्टिव जो ऊर्जा पैदा होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, घर की जो ऑरा क्रिएट होती है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रेंड्स, यू कैन नॉट बिलीव, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मैं कह नहीं सकता शब्दों के माध्यम से, पर आप एक अलग फीलिंग आप महसूस कर पाओगे। शायद से आपको मंदिर जाने के बाद में जरूरत ना पड़े, उस घर एक खुद एक मंदिर बन जाएगा। स्टार्ट डूइंग प्रेयर्स टुगेदर फ्रेंड्स, पे प्ले गेम्स, ये दिनों में तो आप सीक्वेंस खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, कार्ड्स खेल सकते हो, स्टार्ट प्लेइंग कैरम खेल सकते हो, टॉक ऑन इश्यूज, जैसे कोई भी इश्यू आप ले लो और घर में सब बातचीत करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कोई बुक पढ़ो और आप वो घर में सबके साथ शेयर करो, शेयरिंग अ बुक, वॉच कार्टून्स। फ्रेंड्स आप दिल से अगर ये पूरे वीडियो का एक काम करना चाहो ना वीडियो देख के, तो वो करना, और आप मुझे याद करोगे, वो है जब सब लोग घर में बैठे हो ना, मॉम डैड बा दादा सब लोग, एक कार्टून शुरू करना टीवी में, और वो टॉम एंड जेरी वैसा हो तो अच्छा। फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, आपको कार्टून नहीं देखना है, आपको आपके फैमिली मेंबर्स के चेहरे पे सेटिस्फाइड एंजॉइंग मुस्कान देखनी हो, तो आप एक बार ये करके देखना फ्रेंड्स, आप याद करोगे और आप कई बार ये करना चाहोगे। फ्रेंड्स जिसने हमें हंसना सिखाया, जिनके कारण आज हम हंस पाते, या जिन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जिसके कारण हम आज हंस रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल है वो है, उन सबको हंसाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। फ्रेंड्स कुछ करो या ना करो, फॉरगेट, ये जरूर करके देखना, इसका जो रिस्पॉन्स हो वो जरूर मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को देखता हूं, आई बी मोर देन हैप्पी इफ यू राइट अ कमेंट ऑन दिस। आप आपके कुछ मैरिजेस, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज, बाहर के उसकी कुछ मेमोरीज हो तो वो फोटोग्राफ्स देख सकते हो, राइट। आप बोलो सर आज तो वो एल्बम्स नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, अगर फैमिली में 10 लोग हो और सबके साथ आप फोटो एल्बम शेयर करना चाहते हो, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सब लोग व्हाट्सएप पे होंगे, बिकॉज अब घर में आप फोटो एल्बम प्रिंट नहीं करवाते हो, तो आप टेक्नो सेवी हो, तो सब लोग व्हाट्सएप पे हो गए, उस व्हाट्सएप में उस 15 फोटोग्राफ्स को शेयर करो, और एक साथ सब लोग घर में, सब लोग एक साथ उन फोटोग्राफ्स को देखो, उसके ऊपर बातचीत करो। फ्रेंड्स इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, आप लोग से ये करने का समय नहीं है, तो अभी तो 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है ना, आप ये कर सकते हो ना, सो ऑल दिस आर फॉर दैट। साथ में लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट लो, मैं चाहता हूं आप लंच लो या डिनर लो, पर कई बार समय की अनुकूलता ना हो तो आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो साथ में करो। एक और चीज फ्रेंड्स आप कर सकते हो, काफी बार फ्रेंड्स हमें ऐसा लगता है कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, एक गैप आ चुका है। फ्रेंड्स ये गैप तो कभी होता नहीं है, राइट, पर अगर आपको लगता है तो उसके कारण ये होता है कि हम उनके साथ कभी उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आप एक काम कर सकते हो, वो आपसे पैसे नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, पर आप एक काम करो, आप खाली देखो कि घर में मॉम कितनी एक्टिविटीज करती है, जस्ट लिस्ट डाउन करो, आपके पापा कितनी एक्टिविटीज करते हैं, आपके दादा कितनी एक्टिविटीज करते हैं। फ्रेंड्स उसमें से अगर आप 2-3 काम भी अगर आप हेल्प कर सकते हो उनको, तो उनके लिए करके देखो। फ्रेंड्स वो आपको याद रखेंगे, आप उनका बर्डन शेयर कर रहे हो, डू दिस। प्लस आप ये भी कर सकते हो, आप जब बाहर से घर आते हो तो आप एक बार मॉम को कॉल कर दो, कुछ काम है मॉम, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो बाहर जाए उससे अच्छा, आप जब घर पे आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो वो लेके आ सकते हो, साथ में मूवी देख सकते हो। फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स की बर्थडे सेलिब्रेट करो या ना करो, पर घर में हर एक की बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट होनी चाहिए, और हो पाए तो जो अच्छे अच्छे ओकेशन, जो छोटी तो छोटी गिफ्ट दिया करो। एंड फ्रेंड्स मैं तो ये कहता हूँ गिफ्ट भूल जाओ, आप खुद बना के कुछ दे सकते हो तो दो, वरना कुछ लिख के छोटा सा भी अगर आप दे दोगे ना फ्रेंड्स, तो योर पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी। इफ यू डोंट गिव देम डायमंड रिंग्स, यू डोंट गिव देम बिग बिग गिफ्ट्स, बट यू गिव देम समथिंग इन राइटिंग, दे आर मोर देन हैप्पी। सो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने आपके साथ शॉर्ट में वी टाइम के आइडियाज शेयर किए, जिन्हें आप ये 21 दिन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। प्लस फ्रेंड्स के साथ हम कौन से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो बर्थडे विशेष के लिए कॉल्स कर सकते हो आप, वीक में एक बार
वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, और फ्रेंड्स आपको इनिशिएटिव लेना है। मैं भी मेरे फ्रेंड्स में ऐसा ही करता हूँ, सारे फ्रेंड्स बिजी होते हैं, कई बार मैं भी उनसे ज्यादा बिजी होता हूँ, पर मैं थोड़ा समय निकाल के छोटा सा ग्रुप बना के मैं ही गेट टुगेदर स्केड्यूल करता हूँ, और हम सब लोग मिलते भी हैं। आप 15 दिन या महीने में एक बार गेट टुगेदर कर सकते हो, एंड जो आप एकदम नजदीकी क्लोज फ्रेंड्स हो उनके पेरेंट्स की बर्थडे आप ले लो, उनको अगर आप कॉल करते हो तो इससे आपके फ्रेंड्स का बॉन्डिंग, सी फ्रेंड्स आपके और आपके फ्रेंड का नहीं पर आपके और आपके फ्रेंड के फैमिली का जो बॉन्डिंग होता है ना, वो बहुत बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वी टाइम एक्टिविटीज है जो आप फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, कुछ वी टाइम एक्टिविटीज आप रिलेटिव के साथ कर सकते हो, वो है वापस से उनको बर्थडे विश करना, आपके रिलेटिव को जानिए, नहीं नो योर कस्टमर एंड ऑल दोस थिंग्स। कई बार आपके पापा के साथ खड़ी बैठिए और पूछिए कि पापा कितने हमारे काका चाचा है, उनके कितने लड़के हैं, जस्ट आप खाली आइडिया तो लीजिए, राइट। आप कुछ ना करो, एटलीस्ट इतने दूर के रिलेटिव है उनको महीने में एक बार आप छोटा सा मैसेज छोड़ सकते हो, और कोई फेस्टिवल या ईयरली ओकेशन पे आप चाहो तो गेट टुगेदर भी कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके साथ कैसा वी टाइम होता है, उनको एटलीस्ट बर्थडे पे विश करो, जब जब समय मिले कोई नए नए अपडेट्स या न्यूज आए तो उनके साथ शेयर किया करो। व्हेन यू शेयर अपडेट्स विद योर प्रोफेशनल कलीग्स एंड योर क्लाइंट्स, दे फील दैट यू केयर फॉर देम, राइट। सो यू शुड डू दिस, एंड उनको भी ओकेशनल गिफ्टिंग करनी चाहिए। और फ्रेंड्स आप ये सब जब देख रहे थे तो आपने सोचा होगा सर ये सब बहुत अच्छा है, पर ये करे कैसे? तो इसके लिए आपको आपके डेली स्केड्यूल में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा देना चाहिए। मैं हमेशा आधा घंटा हर रोज का मैं वी टाइम में देता हूँ, ये सब जो मैंने आपको कहा, और इतना फास्ट मैं आपको सब बोल गया, राइट, बिकॉज मैं करता हूं तो मैंने आपको कहा। आप एक स्टैंडर्ड मैसेज बना सकते हो विश करने के लिए सबको, एंड यू आइडेंटिफाई कोर पीपल, राइट, कि आपके कितने एकदम नजदीकी लोग हैं, एटलीस्ट उनके साथ तो कुछ भी हो जाए कनेक्टेड रहो। महीने में वो भले आपको कॉल ना करे पर आप उन्हें क्या करो, कॉल करो। एंड फ्रेंड्स एंड में मैंने आपको कहा था कि हम एक यूनिक आइडिया के बारे में बात करेंगे, तो फ्रेंड्स यूनिक कॉन्टेक्स्ट सेविंग एक टिप देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आप मेरा मोबाइल अगर आप लोगे, राइट, और उसमें आप कॉन्टेक्ट्स में जाओगे तो आपको अक्सर उटपटांग से कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे, आपको पहले तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं क्या करता हूं या मैं कैसे कॉन्टेक्ट सेव करता हूं, जैसे मान लो कोई इंसान है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, फैनिल नाम का इंसान हो, अहमदाबाद में वो रहता हो, उसकी बर्थ डेट 7 अगस्त 1987, मैंने आपको बता दिया, आप गिफ्ट्स विच भेजना चाहो तो भेज सकते हो, राइट, जस्ट किडिंग। एंड उसका नंबर स्क्रीन के ऊपर है, राइट, मैंने आपको पीछे भी नंबर दिया था, और आप जो कमेंट्स शेयर करना चाहते उसके ऊपर कर सकते हो। तो मैं कैसे ये कॉन्टैक्ट को सेव करूंगा, तो मैं कभी सीधा नाम नहीं लिखूंगा, मैं पहले उसकी बर्थ डेट क्या है 7 अगस्त, सी आई एम नॉट कंसर्न विद द ईयर, तो 07 space 08 स्पेस सी ए फैनिल शाह स्पेस अहमदाबाद ABAD, ऐसा करके मैं कॉन्टेक्ट सेव करूंगा। जिससे मैं हर रोज क्या करता हूं, मेरे डेली स्केड्यूल का एक पार्ट है, मैं हर रोज सुबह उठते मैं खाली मेरे कॉन्टेक्ट में जाता हूं, और मान लो आज 7 अगस्त हो तो मैं 07 space 08 लिखता हूं। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, मुझे आज के दिन में जितने लोगों की बर्थ डेट है वो मुझे पता चल जाती है, तो मैं तुरंत उन्हें कॉल करके कट कर देता हूं। मान लो 5 लोगों को कॉल करके कट, मिस्ड कॉल नहीं है, मेरे सिस्टम में कॉल होके कट हो गया। फिर मैं जब ड्राइव कर रहा हूं कोई जगह पे जा रहा हूं, जब मैं 2 मिनट फ्री हूं, कोई स्लैक टाइम है, तब मैं उन 5 लोगों को कॉल करके छोटी सी विश दे देता हूं, और कुछ ना हो पाए तो एटलीस्ट रात को एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूं। आप बोलोगे फ्रेंड्स ये तो व्हाट्सएप सर फेसबुक पे भी होता है, सर फेसबुक तो इतना ओपन एंडेड सोर्स है, राइट, और फेसबुक इज अ डिफरेंट थिंग, पर ये आप अपने लोगों के लिए बेशक कर सकते हैं। वंस फ्रेंड्स यू विश समवन ऑन हिज बर्थडे अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, यू शो इंपॉर्टेंस टू हिम, इट्स ऑलवेज मेमोरेबल फॉर देम टू। एंड फ्रेंड्स दूसरा मैं क्या करता हूं, तो मैं ये जो मैं अहमदाबाद लिखा है, तो कोई बॉम्बे का हो तो मैं एंड में BUM बॉम्बे लिखता हूँ, कोई दिल्ली का हो तो DEL लिखता हूँ, वैसा मैं लिख के रखता हूँ। मानो अब मैं यहां से बॉम्बे गया, राइट, तो मैं जब बॉम्बे जाता हूं तो मैं जब वहां फ्लाइट में बैठा हूं, जब फ्लाइट लैंड हुई, अभी थोड़ा टाइम है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, मैं अंदर बैठा हूं, तो मैं खाली मेरे कॉन्टेक्ट में जाके BUM लिखूंगा, तो मुझे 10 लोग मिले जो बॉम्बे के, मैं सबको एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, हे आई एम इन बॉम्बे, जस्ट रिमेंबरिंग यू सो मैसेज यू, इफ आई गेट अ टाइम आई विल मीट यू। फिर भले ना फ्रेंड्स आप ना मिलो पर एक याद उनको देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इस तरीके से जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर एक मेरा ही कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, नंबर्स को ब्लर किया बिकॉज आपको उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे 12th यू कैन से जुलाई तो तरुण मसानी का बर्थडे, फिर 22 दिसंबर 2012 विश्वा का बर्थडे, वो प्रगति नगर में रहती है, राइट। सो लाइकवाइज
मैंने मेरे कॉन्टेक्स्ट में क्या किया हुआ है, सेव किया हुआ है। आप बोलो सर आपने अहमदाबाद तो नहीं लिखा। ए यार मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो अहमदाबाद तो हर एक कॉन्टेक्ट के पीछे नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ के लिखूंगा जो मेरे सिटी के बाहर के लोग हो उनके लिए लिखूंगा। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक कॉन्टेक्स्ट सेविंग आइडिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं खुद इसे यूज करता हूँ और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ट्रूली इट इज वेरी गुड आइडिया, ट्राई टू यूज दिस। एंड इसके ऊपर कोई रिव्यू हो तो जरूर मुझे बताना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, हैबिट फॉर्मेशन आइडिया। अब हम पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा थॉट, क्यों वी टाइम इतना अच्छा होता है फ्रेंड्स? बाकी सारी चीजें बदलेगी, वो सारी चीज आपको बदलेगी, चीजें भी बदलेगी और चीजें आपको भी बदलेगी, पर शुरुआत और अंत हमेशा आपके फैमिली के साथ होता है। सो अदर थिंग्स मे चेंज अस, बट वी स्टार्ट एंड एंड विद द फैमिली। आपके आजू बाजू जितने भी लोग रहते हैं वो सब अगर आपसे खुश हो, आपसे प्यार करते हो, तो उससे बड़े दुआ या ब्लेसिंग्स की जरूरत और कोई नहीं होती। दैट इज लव ऑफ पीपल अराउंड अस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। एंड फ्रेंड्स, लास्टली आज की काइंडनेस एक्ट होगी कि आप आपके लाइफ में 2 मिनट खाली स्पेंड करके देखो कि किसने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और उन्हें एक छोटी सी, 2 लाइन तो 2 लाइन, आधा पेज तो आधा पेज, आप एक थैंक यू नोट लिख के उन्हें व्हाट्सएप या SMS करो, या फिर वो ये सब यूज ना करते हो तो उनको आज कॉल करके, बिकॉज ये लॉकडाउन में आप कॉल तो कर सकते हो राइट, कॉल करके उनको बताओ फ्रेंड्स, बिलीव मी, उनका जो रिएक्शन आएगा ना वो एकदम अलग होगा। और हो पाए तो फ्रेंड्स ये भी कमेंट्स के थ्रू, और अगर आपको लगता है ये बहुत पर्सनल था तो आप मुझे पर्सनल भी व्हाट्सएप के ऊपर बेशक शेयर कर सकते हो। आई बी मोर देन हैप्पी टू गेट द रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज विच यू। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस, पर आप जानते हो हमेशा हम कोई भी वीडियो को एंड करते हैं कि इस वीडियो के बाद हम करें क्या। खाली देखने के लिए नहीं थी ये वीडियोस, तो आपको क्या करना है, आपको जितने हो पाए उतने नजदीकी लोगों की बर्थडेट्स एंड एनिवर्सरी डेट्स कलेक्ट करके इतने दिनों में सेव करनी है। आप डेली कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो वी टाइम के ऊपर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो डिसाइड करना है। एंड आपके जो एकदम इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी बर्थडे, तो आप आपके डे टू डे प्लान के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सो दिस इज फ्रेंड्स, हियर बाय वी एंड अप विद दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ वी टाइम। वापस से मैं फ्रेंड्स याद दिलवा देना हूं, हमारे डे वन के स्केड्यूल के ऊपर बहुत फोकस करना है। हो पाए तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसे रिवाइज करना, आपके एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना कि आप वो 3 दिन स्केड्यूल को फॉलो कर पाए कि नहीं। बेशक फ्रेंड्स, मैं वापस से कहता हूं, आप ये वीडियो से मोटिवेट होते हैं, आपके कमेंट्स कहते हैं, पर मेरे लिए मोटिवेशन क्या होता है, तो वो आपके कमेंट्स। सो बंद करने से पहले कमेंट डिटेल में जरूर करना, आप जो दिल से कहना चाहते हो कमेंट्स में मुझे कह सकते हो, पर्सनली भी मुझे कह सकते हो। यस फ्रेंड्स, 5 मिनट निकाल के इसे जितने लोगों के साथ शेयर कर पाओ शेयर भी कर देना, जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो जाए। सो एट द एंड आई विल से दैट स्टे होम, स्टे कनेक्टेड। अभी तक अगर हम कनेक्ट नहीं हुए तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी जगह पे जस्ट फेनल स्पार्क लिखना एंड वी कैन गेट कनेक्टेड। एंड माई नंबर इज ऑल्सो ऑन द स्क्रीन, 8905030507। कुछ भी काम हो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप जरूर कर देना। राइट, सो सी यू टुमारो अगेन ऑन डे 4 विद सम न्यू आइडिया, सम न्यू वीडियो। टिल देन, थैंक यू।